जो हम लोगों ने जो ये देखे उसके आगे का दोहा है, समय पाए फल होत है, समय पाए फल होत है, समय पाए विचार, सदा रहे नहीं एक सी, सदा रहे नहीं एक सी, का रही पछता, का रही पछता। यह दुआ हम देखेंगे जो दो पाठ देखा बहुत ही गहरे तरीके से रहीम जी हमको दोहे समझा रहे हैं। इस दोहे का मतलब की अर्थात रहीम जी कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वह झड़ जाता है, सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमको ये समझाना चाहते हैं कि हर बात समय समय का खेल होता है, कोई समय एक सा नहीं होता, एक समान नहीं होता, हर समय जाने के लिए होता है। जैसे हम लोग कहते हैं आने वाला पल जाने वाला है, अर्थात हमारे जीवन का हर पल बीत जाने के लिए है। जैसे ये जीवन भी हमारा क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारा जन्म हुआ है और जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी तय है, फिक्स है, उसमें कोई भी बदलाव परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है ना होने वाला है, ये बात भी हम लोग अच्छे से जानते हैं। उसी तरह जिस तरह से ये जीवन यहाँ पर उठने के लिए नहीं है, जीवन हमारा जन्म जिस तरीके से फिक्स है उसी तरीके से हमारा मृत्यु भी फिक्स है, और वही बात समय की कोई भी समय यहाँ पर उठने के लिए नहीं आया। अभी का जो समय चल रहा है यह समय 5 मिनट बाद बीत जाने वाला है, और वो बीता हुआ समय फिर से वापस आने की कोई प्रक्रिया इस कुदरत की नहीं है, इस निसर्ग की नहीं है, ईश्वर ने ऐसा कोई काम यहाँ पर हमारे सामने नहीं रखा कि जैसे कल का समय बीत गया, कल जो दिन था जो काम था, हमारे समय चाहे दुख हो सुख हो जो भी था वो कल बीत गया, अब वो आज नहीं आने वाला है, इसलिए जो समय हमारे हाथ में है उसी समय में हम लोगों ने अपने काम कर लेने चाहिए, उसी समय को हमने अनमोल मानना चाहिए, उसी समय को लेकर हमने काम करना चाहिए। ऐसा रहीम जी हमको बताते हैं, जैसे कहते हैं उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, जैसे किसी वृक्ष का जैसे हम जिसको सीजन देते हैं, उपयुक्त वक्त मतलब सीजन हम जिसको कहते हैं, आम का सीजन जिस वक्त में आता है, बेर का सीजन जिस वक्त आता है, अनार का सीजन जिस वक्त आता है, मौसम भी हम जिस वक्त में देखते हैं, 12 महीने कोई फल होता है किसी पेड़ को नहीं, उसका जब उपयुक्त समय आता है निसर्ग जब उस तरीके से बनाकर लाता है उस समय में उस फल उस पौधों को फल लगते हैं, और उस समय हम फल का पूरी तरह से आनंद ले पाते हैं। अलग अलग वक्त में ही सभी फलों का हम लोग मजा ले पाते हैं, जैसे आम 12 महीने, अब अगर हम आम खाने की सोचे तो अभी आम हमारे पास उपलब्ध है क्या, नहीं है, निसर्ग ने जो वक्त उसको दिया है उस आम के पेड़ को दिया है उसी वक्त में वो आम आते हैं। सीता फल लो, राम फल लो, जितने अलग अलग फलों के पौधे उन पौधों को उन पेड़ों को वो फल उसी वक्त में आता है जब उसका सही समय बना हुआ होता है, सही समय उस वक्त में होता है, उसी समय में वह पेड़ों को उस वृक्षों को वो फल लगते हैं, झड़ने का समय आने पर वो झड़ जाता है, और फल एक बार उस पेड़ को लग गया तो ऐसा नहीं है कि वह फल हम जब तक हमारा जीवन तब तक वो फल हम वहाँ देखेंगे, वह उसका जब तक समय उस वृक्ष के साथ है उसी समय तक वो फल उसको हमें लगा हुआ दिखता है। एक सही समय आने पर हम उस फल को तोड़े न तोड़े छोड़ दे वह फल उसके वक्त के साथ झड़ जाता है, गिर जाता है। जैसे हमारी मृत्यु पक्की है कि हम एक वृक्ष की तरह अगर को माने तो जन्म लेने से एक 70-80 वर्षों तक
80 वर्षों तक हम लोग जीते, फिर चाहे 100 साल तक कोई आदमी जीने, फिर चाहे हम चाहे न चाहे हमें छड़कर गिरना ही है, हमें मृत्यु आना ही है। उसी प्रकार उन फूलों का भी मान लो कि वो मृत्यु है, कि वो जब लगे उसके बाद कुछ समय के बाद जब वो समय हो जाता है उसके बाद उस फल को छड़कर गिरना ही है। इसलिए रहीम जी कहते हैं सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती है। अब अवस्था वो समय सदा के लिए नहीं है, वो समय के लिए वो वक्त आपके जीवन में आया है जो निकल जाने वाला है, जो रुकने वाला नहीं है, एक जैसी नहीं है। इसलिए उस वक्त को सोचकर, उस वक्त पर हमने चर्चा करकर, उस वक्त को बार बार टेंशन लेकर पछतावा नहीं करना चाहिए। जो समय हमारे जीवन से निकल चुका है हम उसको लौट कर नहीं ला सकते, हम उसको फिर से अपने जीवन में नहीं ला सकते। फिर चाहे आप कितना भी पश्चाताप कर लो, चाहे आप कितना भी दुख मना लो, चाहे आप अपने आप को कितना भी वेदना दो, चाहे अपने आप को कितना भी घसीट लो, लेकिन वह बीता हुआ समय हमारे जीवन में नहीं आने वाला है। इसलिए हमारा पछताना पूरी तरह से व्यर्थ है, हमारा गए बीते समय को दुख मनाना पूरी तरह से व्यर्थ है। इसलिए आने वाले समय में हमें क्या करना है उसका प्लान हम लोगों ने करना चाहिए, उसकी प्लानिंग हम लोगों ने करना चाहिए। बीते हुए समय पर पछता कर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है, ऐसा रहीम जी इस उदय के माध्यम से हमें समझाते हैं। दूसरा दोहा, रहीम जी कहते हैं रूठे सजन मनाइए, रूठे सजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, जो रूठे 100 बार। रहीमन फिरी कोइए टूटे मुक्त हार, कोइए टूटे मुक्त हार। इस दुए के माध्यम से रहीम जी बताना चाहते हैं, अर्थात यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे, आपका प्रिय मतलब आप जिसे अपने जीवन में प्रिय व्यक्ति मानते हैं, आप जिसे आपके जीवन में प्रेम करते हैं, आप जिसे चाहते हैं, आप जिसे मानते हैं, ऐसा कोई प्रिय व्यक्ति तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए। यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए। देखिए कितना गहरा करण जी इस माध्यम से बताते हैं कि आप जिसको चाहते हैं, आपका जो प्रिय है, आप जिसे प्रिय है वो अगर टूट जाए तो उसको 100 बार भी क्यों ना हो मनाना चाहिए, क्योंकि आप उसको चाहते इसलिए उसको मनाना आवश्यक है। और इसलिए कि अगर मोतियों का माला टूट भी जाए तो उसको 100 बार भी उस माला में पिरोने में हमें क्या हर्ज है, क्योंकि मोतियों की माला उतनी सुंदर कब दिखती है जब पूरे मोती एक जगह पर होते हैं, पूरे मोतियों की माला बनती है तब वह माला हमें सुंदर नजर आती है। उसी तरह से हमारे रूठे हुए मित्र को, रूठे हुए यार को, रूठे हुए प्यार को, रूठे हुए प्रिय को मनाने में हमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। एक बार नहीं 100 बार भी अगर आपको उसको मनाना पड़े तो इसमें कोई दुख दर्द की बात नहीं है, क्योंकि आप उसको चाहते हैं, आप उसको मानते हैं, आपके जीवन में उसका अस्तित्व है, आपके जीवन में उसकी कोई भूमिका है, आपके जीवन में उसका कोई महत्व है। इसलिए वो अगर आपसे रूठ जाता है तो
तो उसको 100 बार मनाने में भी कोई हर्ज नहीं, उसको 100 बार क्यों ना हो मनाना चाहिए। अगर मोदियों का हार टूट जाता है, मोदियों की माना टूट जाती है, तो उसको 100 बार भी अगर छोड़े, 100 बार भी मोदियों का हार मनाया जाए, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए रूठे हुए यार को, रूठे हुए प्रिय को, रूठे हुए मित्र को मनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस दोहे के माध्यम से हमें समझाते हैं।